हेलो हाय एंड वेलकम इन स्टडी गर्ड। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास सिक्स साइंस चैप्टर टू कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टू। और बुक कौन सी है? एनसीईआरटी है। इसके पहले मैंने इसका पार्ट वन और पार्ट टू थियरी डिटेल में बनाया है। अगर आपको देखना है तो आई बटन पर क्लिक करें जो कि राइट में दिया है और आप डिटेल में देखें। बट क्यों देखें? अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर इट्सेल्फ, देन यू गो एंड वॉच द वीडियो, देन यू कैन एब्सोल्युटली सॉल्व। इट्स माई गारंटी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप देखेंगे थियरी वीडियो को तो आप इट सेल्फ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। तो सो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट हैं, मैं एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। तो सो चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर टू न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स, और उसमें हमें जब हम ईट करते हैं, व्हेन वी ईट द फूड विच कंपोनेंट वी गॉट, हमें कौन कौन सा उसमें कंपोनेंट्स मिलते हैं। सो ये क्वेश्चन आंसर डिवाइड है। पहला हमारा क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमें फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स, फूड में हमें न्यूट्रिएंट कौन कौन से मिलते हैं। तो सो इसका अगर हम आंसर लिखें तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं मेजर, इसका आंसर में हम लिख सकते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स हमें फूड में क्या क्या मिलता है। हमें विटामिन्स मिलते हैं फूड में, हमें प्रोटीन मिलते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, हमें फैट मिलते हैं। इसका आंसर हम एब्सोल्युटली राइट, मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इज विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, हम इसका आंसर लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फैट लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, हम बुक लेते हैं। इसका ये जो क्वेश्चंस आंसर है ये एनसीईआरटी बुक का मैं कवर कर रहा हूँ। और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ए हो गया सेकेंड। अब टू का ए पढ़ते हैं। टू का द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमें उस न्यूट्रिएंट्स का नेम बताना है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, पहला तो फैट लिख सकते हैं एंड नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव्स अस मोर एनर्जी, इसका आंसर लिख सकते हैं। ये दोनों हमें एक्सेस मीन्स मच मोर एनर्जी, ये दोनों फूड न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के जो कि हमें एनर्जी बहुत देते हैं। एंड नेक्स्ट है टू का बी, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। हमें उस न्यूट्रिएंट्स के नेम बताने हैं जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए आवश्यक है, मेंटेनेंस ग्रोथ और उसके बॉडी का प्रिकॉशन मीन्स उसकी बॉडी की केयर करने के लिए। तो सो इसका भी आंसर वही होगा, इसमें थोड़ा सा हम इंक्लूड कर लेते हैं, फैट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, मिनरल हो जाएगा। इसका भी आंसर फैट कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स, इसमें हम और जोड़ सकते हैं प्रोटीन एंड विटामिन, हमारी बॉडी को क्या करते हैं ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। दीज आल प्रोटीन विटामिन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, दीज आल्स आर नेसेसरी टू ग्रोथ, दीज आर नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनेंस। एंड नेक्स्ट है हमारा टू के सी में पूछ रहा है, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, अच्छी आई साइट के लिए। अच्छी आई साइट की मीन्स अगर हम ऐसा कौन से, मतलब हम क्या खाएं कि जिससे हमारी आई साइट स्ट्रांग रहे, जल्दी से हमारी आंखें वीक ना हो। जैसे अब हमें रेयर बहुत ही देखने को मिलता है एक्सेस अमाउंट्स में कि चाइल्ड ही हैं, किड्स ही हैं, उनकी आई में टेस्टेड ग्लास लगाने पड़ते हैं। तो सो अगर हम प्रॉपर मात्रा में एक एज, अपने एज के एज ऑन द बेस ऑफ एज के आधार पे हम विटामिन लें, कौन सी विटामिन लें, विटामिन ए, दिस इज़ द हमारा कौन सा है, दिस इज सी है। अगर हम विटामिन ए प्रॉपर में मात्रा में और प्रॉपर एज में विटामिन ए लें, दिस इज बाय द हेल्प ऑफ विटामिन ए वी कैन मेक आई साइट वेरी स्ट्रांग, विटामिन ए इसका आंसर होगा गुड आई साइट के लिए। गुड आई साइट के लिए में क्या होगा, विटामिन ए। एंड नेक्स्ट है हमारा टू के डी में, ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोन्स को हेल्दी करने के लिए क्या, बोन्स को हेल्दी करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, विटामिन। मिनरल्स में कौन से मिनरल्स आएंगे, विटामिन। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं विटामिन में क्या आता है। विटामिन में जैसे आप लेते हैं फिश, एग, मिल्क, दीज आल और फ्रूट्स, दीज आल इन दिस आल सब्सटेंसेस वी गॉट द विटामिन। और विटामिन ए में आपको क्या मिला, विटामिन ए में भी अगर हम लेते हैं फ्रूट्स देन वी गॉट द विटामिन ए। अगर हम आई साइड स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो सो हमें विटामिन ए, और इसमें डी में होगा अच्छी मिनरल्स के लिए।
लास्ट में आई रिपीट दिस, ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, बोन्स को हेल्दी रखने के लिए. बोन्स को हेल्दी मीन्स स्ट्रॉन्ग बोन रखने के लिए हमें क्या प्रॉपर मात्रा में रेगुलरली हमें विटामिन लेने पड़ेंगे, देन वी गॉट आवर बोन स्ट्रॉन्ग, हम अपने बोन को स्ट्रॉन्ग पाएंगे. तो सो हमारा 2 का ए बी सी डी क्लियर हो गया और 1 का क्वेश्चन क्लियर हो गया. एंड नेक्स्ट हम 3 पे बढ़ते हैं. नेम 2 फूड ईच रिच इन, हमें 2 फूड्स के नेम बताने हैं. जैसे फैट हो गया, फैट किस में मिलता है, फैट का सबसे अच्छा एग्जांपल है जितनी भी ऑयली चीज़, ऑल ऑयली थिंग्स इंक्लूड आल्सो इंक्लूड इन फैट. सो वी गिव द एग्जांपल ऑफ ऑयल एंड घी, हम फैट में क्या लिख सकते हैं, ऑयल एंड घी. नेक्स्ट है हमारा स्टार्च, स्टार्च हमें किस में मिलता है, पोटैटो एंड राइस. वी आल्सो नो अबाउट दिस, पोटैटो हम जानते हैं, पोटैटो में क्या मिलता है, पोटैटो में हमें स्टार्च मिलता है, इसका हम पोटैटो लिख सकते हैं और राइस और पोटैटो. आए दिन हमें पोटैटो और राइस दोनों हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और इन्हें देखते भी हैं. डाइट्री फाइबर सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं. डाइट्री फाइबर क्या होता है, डाइट्री फाइबर हमें हेल्प करता है, डाइट्री फाइबर हेल्प्स हमें डाइजेस्ट द फूड. और डाइट्री फाइबर किसके मिलते हैं, ऑल ग्रीन वेजिटेबल, जितनी हरी सब्जियाँ होती हैं, वी गॉट द डाइट्री फाइबर फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल. सो वी गिव द एग्जाम्पल स्पिनैच एंड कैबेज. सो जैसे हम पालक बोलते हैं स्पिनैच एंड कैबेज. कैबेज मीन्स पत्ता गोभी और स्पिनैच पालक हरी सब्जियां इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है. और नेक्स्ट है हमारा लास्ट है प्रोटीन. प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स क्या है, आप डेली लाइफ में देखें, देन यू गेट एब्सोल्युटली आंसर. जो हमारी दाल होती हैं जैसे मूंग की दाल हुई और हमारे ग्राम हुए चना, और हम इसे प्रोटीन के लिए लिख सकते हैं. हमारे मिल्क में फिश में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. लॉट ऑफ एग्जाम्पल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए साइंस है और ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है. सो इफ वी आर स्टार्टिंग द थिंकिंग अबाउट द डेली लाइफ ऑफ फूड देन वी गॉट ऑल आंसर. इफ वी आर थिंकिंग अबाउट, इफ वी आर जनरेटिंग द क्यूरियसिटी और सर्चिंग अबाउट ऑन हेल्प द टूल्स देन वी गॉट ऑल आंसर. थिंक अबाउट ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, किसमें विटामिन मिलता है, किसमें विटामिन मिलता है, फैट डाइट्री फाइबर स्टार्च, ये डाइट्री फाइबर स्पेनिच कैबेज, ये सब राइस पोटैटो डेली लाइफ से रिलेटेड है. तो सो हमारा 1, 2 के ऑल पार्ट्स और 3 के स्टार्च, फैट, डाइट्री फाइबर और प्रोटीन, ये भी ए बी सी डी थे, ये भी 4 सेक्शन में डिवाइड थे, मैंने करा इसे सॉल्व हो गए, हमारा हो गया इसका आंसर. एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. तो सो हम पहला है हमारा ट्रू और फॉल्स में, बाय ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. क्या हम राइस, बाय ईटिंग राइस, क्या हम राइस ओनली राइस खा के सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन, क्या हम राइस खा के पा सकते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओनली राइस नहीं, हमें बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा. बैलेंस डाइट मीन्स होता है इक्वल मात्रा में फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन प्रोटीन डाइट्री फाइबर भी चाहिए, ऑल अबाउट थिंग इज रिक्वायर्ड. सो हम इसमें ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स. एंड नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग ए बैलेंस डाइट. बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीमारियों से डिफिशियंसी डिजीज मीन्स जो कि किसी चीज़ की कमी से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे, फैट लेने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेने पड़ेंगे और प्रोटीन लेने पड़ेंगे, डाइट्री फाइबर लेने पड़ेंगे. इसे कहते हैं बैलेंस डाइट. हम बैलेंस मात्रा में जब ये लेंगे, इससे बाय द हेल्प ऑफ दिस वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीजेस, हम अपने आप को डिजीजेस से सेव कर सकते हैं. तो सो हमारा दूसरे में हो जाएगा ट्रू. एंड नेक्स्ट हमारा आता है सी, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स. बैलेंस डाइट में क्या होता है, वेराइटी ऑफ फूड आइटम होते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. बैलेंस डाइट मीन्स होता है कि सारे जो विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं हम इन्हें इक्वली मात्रा मिले. तो सो ये डिफरेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अनदर थिंग, फैट दूसरा होता है, प्रोटीन हमें दूसरा सब्सटेंस खाएंगे तभी मिलेगा, डाइट्री फाइबर में हमें क्या होता है, इस हम वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे तभी ये. फैट में क्या होते हैं, फैट में ऑयली थिंग्स लेते हैं. सो हमें स्टार्च लेना हो तो हम क्या पोटैटो राइस लेते हैं. तो सो हम क्या कर सकते, वी कैन से जो हमारा होता है बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट में क्या होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू राइट. मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. इसमें कह रहा है लास्ट में मीट जो होते हैं, क्या ओनली मीट खाने से हमें ये
फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन सब मिल सकता है? सो एब्सोल्युटली नॉट राइट. ओनली मीट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. मीट कांट सेव टू और सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रॉन्ग, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा. एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. ये भी हमारा फोर सेक्शन में डिवाइड है. पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स होते हैं. जिससे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स. सो इसमें पहले में डिवाइड है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीजेज होती हैं. एंड नेक्स्ट है हमारा डिफिशियंसी ऑफ काजेस डिजीजेज नोन एज बेरी बेरी. बेरी बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? सो हम लिख सकते हैं विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी डिजीजेज होते हैं. एंड नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी. दिस इज़ एब्सोल्युटली हम देखते हैं आसपास. स्कर्वी विटामिन सी की कमी से. विटामिन सी में कौन से सब्सटेंस आते हैं? विटामिन सी में जो हमारे सावर, जो खट्टे चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें जो होती हैं, उनमें हम विटामिन सी पाते हैं. सो हम लिख सकते हैं स्कर्वी इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ विटामिन सी. एंड नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ. नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन है. नाइट ब्लाइंडनेस मिस होता है आई साइड जिसकी वीक होती है उसे ही रतौंधी, जिसे रतौंधी बोलते हैं, वो हमारे किसकी होते हैं? विटामिन ए की कमी से होते हैं. सो वी राइट द आंसर ऑफ विटामिन ए. तो सो हमारा क्लियर हो गया. ये फिल इन द ब्लैंक्स था और ये क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3 में सेक्शन में डिवाइड थे और टिक द करेक्ट भी बता दिया हमने, फिल इन द ब्लैंक्स करा दिया. आप ध्यान से वीडियो को 1 टाइम 2 टाइम देखें और आप इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बुक को रीड करें और इसके डिटेल थियरी वाले लेक्चर को देखें. देन यू स्टार्ट दिस वीडियो. तब इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा. अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. आप बुक नहीं पढ़ा तो आप देखिए थियरी वाला वीडियो देखिए, आई बटन पर क्लिक करें. अगर आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको जवाब मिलेगा. नहीं तो आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड किया जाएगा. और वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें. आई विल बी राइट बैक विथ नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग स्टडी गाइड. थैंक यू सो मच.